हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ कोसी रिवर के पास और आज की वीडियो में मैं रिज़ॉर्ट का टूर देने वाला हूँ और रिज़ॉर्ट में क्या क्या एक्टिविटीज़ वगैरह है वो बताऊँगा। और ये पीछे शानदार रिवर है, ये भी आगे वीडियो में दिखाऊँगा पूरी रिवर हमारे रिज़ॉर्ट। और ये रिवर जो है रिज़ॉर्ट के बिल्कुल ही पीछे है, तो हम लोगों ने रिज़ॉर्ट के पीछे से ही यहाँ पर एंट्री करी है रिवर में। और जिन लोगों ने पार्ट वन नहीं देखा, ऊपर आई बटन में उसका लिंक आ जाएगा। वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये शानदार रिवर है, चलते हैं यहाँ पे। ये हल्का हल्का फॉग, पीछे सनराइज हो रहा है और पहाड़ है। ये है रिवर, ये देखो छोटे हॉर्सेस क्रॉस कर रहे हैं रिवर, हॉर्स पे लोग बैठ के क्रॉस कर रहे हैं रिवर को। कितना शानदार व्यू है यहाँ पे। फ्रेंड्स, मौसम काफ़ी अच्छा है अभी तो, और बादल भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, बादल हवा भी चल रही है। तो मेरा मन कर रहा है टाइम लैप्स बनाता हूँ, तो टाइम लैप्स इन्जॉय करें। आगे टाइम लैप्स आएगा, टाइम लैप्स को देखें। स्लिपरी नहीं है पर ये। कितना तेज फ्लो है, काफी तेज फ्लो आ रहा है, राफ्टिंग के लिए सही है। ऊपर पता नहीं क्या वो उधर एंड, थोड़ा पास से दिखाता हूँ, इसके लिए नीचे जाना पड़ेगा। इधर से रास्ता है, अभी मैं इस वाले पत्थर पे बैठ के थोड़ा पानी पास दिखाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा कोई, ये तो काफ़ी ऊंचा पत्थर है, यहाँ से तो पॉसिबल नहीं है शायद, देखता हूँ। ये मेरे को एक छोटा पत्थर मिल गया इधर पैर रखने के लिए, तो मैं आराम से स्लो मोशन काफी सही आएगा यहाँ पे, बना ही लेता हूँ। तो अब इतनी देर वहां पे रिवर में बैठने के बाद हम लोग वापस अपने रूम में जा रहे हैं। ये पूरे कॉटेजेस हैं इधर, अब पूरी धूप भी आ गई यहाँ पे, पूरा पानी में धूप का व्यू आ रहा है, तेज आ रही धूप की। और कल पूरा दिन बारिश होने के बाद आज मौसम अच्छा हो गया। चल रहे रूम में, काफी कॉटेजेस हैं यहाँ पे।
अभी हम लोग पहले रूम में जाएंगे, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करने जाएंगे, उसका भी व्यू मैं दूंगा ब्रेकफास्ट में क्या क्या है यहाँ पे, और फिर थोड़ी सी रिजॉर्ट में जो एक्टिविटीज होंगी उसको देखेंगे। रूम किधर था, मैं तो रूम ही भूल गया। मैं अब रूम में जाने की बजाय स्विमिंग पूल की साइड आ गया हूँ। ये स्विमिंग पूल है, वो क्या है छोटा सा, देखता हूँ आगे जाके। यहाँ बैठने की भी जगह पर सब गीला है, बारिश हुई थी कल रात को आया था यहाँ पे, इसलिए रूम का पता नहीं किधर है। रूम स्विमिंग पूल के आसपास ही था यहाँ फिर से। ये इधर रेस्टोरेंट है ऊपर, जहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट ले जाएंगे। जिसने पार्ट वन नहीं देखा, ऊपर आई बटन में आ जाएगा लिंक, पार्ट वन भी वॉच करना। पार्ट वन में हम लोग चंडीगढ़ से यहाँ पे आए थे जिम कॉर्बेट में। अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, ऊपर है ये, चलते हैं अंदर देखते हैं क्या है, देखता हूँ क्या है, दिखाता हूँ मैं। तो अभी हम देख रहे हैं ब्रेकफास्ट का पैकेज ले रहे हैं। रुक जाओ, हेलो किटी। तो फ्रेंड्स अभी मैं आया हूँ, एटीवी चला रहा हूँ यहाँ पे, एटीवी चलाने जा रहा हूँ, ये रही एटीवी। और अभी आगे दिखाता हूँ मैं इसको चलाऊंगा। कार बहुत ज़्यादा गंदी थी कार, तो हम लोगों ने पहले कार वॉश कराई रामनगर के पास में, और अब एक ही एडवेंचर जोन करके एरिया है यहाँ पे आ गए हैं। इसमें काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या क्या है, कुछ अच्छा लगा तो एक्टिविटी तो वो भी करेंगे। कार भी वॉश हो गई अच्छे से, देखते हैं कौन कौन सी राइड है।
ये एक साइकिल भी है जो रोप पे चलानी होती है, स्काई साइकिलिंग नाम है इसका। ये तो वाटर बैलून टाइप है, इसके अंदर बैठना होता है। वो रही साइकिल, वहाँ तक आगे तक हो रही है। वो ट्रैम्पोलिन वगैरह है, और इसमें बैठ के गोल घूमना होता है इसमें। ये यहाँ पे विंटेज कार की भी राइड होती है, रोड पे चला सकते हैं, विंटेज कार ही है। वो साइकिल उधर तक है। और क्या क्या स्काई साइकिलिंग होगी, और क्या है, एटीवी तो है। एटीवी मैंने कर ली थी, दिखाई थी स्टार्टिंग में। हम लोगों को वो जगह जहाँ पे अभी गए थे थोड़ी देर पहले, एडवेंचर जोन जो था, वो जगह अच्छी नहीं लगी, क्योंकि यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ थी वो सब छोटे बच्चों के लिए थी, ज़्यादा ही छोटे बच्चों के लिए। तो इसीलिए वापस रिजॉर्ट में आ गए, फिर उसके बाद थोड़ा सा आराम किया कमरे में। फिर अब अभी बज रहे हैं 3:49 हुआ अभी, और अब यहाँ पे बोटिंग कर रहे हैं। ये जो रिवर है जो सुबह दिखाई थी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में, ये अली रिवर, इसमें बोटिंग करने जा रहे हैं। छोटी सी बोट है, रिवर राफ्टिंग जैसी, और इसकी प्राइसिंग कुछ अराउंड 500 कुछ थी, 500 प्लस टैक्सेस। वो बोटिंग करेंगे, और वो भी दिखाता हूँ कैसे होती है, कैसे कितना मज़ा आता है उसमें। और बोटिंग करने के बाद हम लोग फिर जाएंगे बाहर है तो ऐसी इवनिंग स्नैक्स और चाय के लिए, वो भी दिखाऊंगा मैं कहाँ जाते हैं और कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बोटिंग करने, राफ्टिंग करने, बोटिंग करने, इसलिए ये ना कोसी रिवर है, कोसी रिवर पे हम चले। अभी हम चल रहे नीचे जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपनी राइड बोटिंग की। मेरे ख्याल से उधर जाना है। किधर जाना है? अब ले लो, नीचे उतर रहे हैं, नीचे इधर से स्टार्ट। तो अभी हम लोग बोट के अंदर बैठ चुके हैं। पानी यहाँ आया हुआ है यार, पानी भी अंदर बैठ गए। पैडल करोगे यार? मैं करूँगा पैडल, इस तरीके से पकड़ना है, इतना इतना इंच का, 3 या 4 इंच का गैप होगा। मतलब अच्छा। इसको पैडल को हाफ डिप करके ऐसे प्रेशर से पानी को पीछे पुश करना है। पानी अंदर आ गया पूरा। और पजामा है नहीं? तो आज जींस पहन के सोएगा। पेडल का तो यार मैं तो उतर के धक्का दे दूँ, उतर के धक्का। मैं बीच में बैठा हूँ, ये पानी थोड़ा उधर जाओ, लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट में। यहाँ से वॉक करना है, इस साइड से वॉक करते हुए जो पानी का फ्लो दिख रहा है, फिर वहाँ से ऊपर तक वॉक करना। तो अब हमें पहले नीचे वॉक करते हुए इन पत्थरों पे जाना है, फिर आगे जहाँ पे ये पानी का फ्लो काफ़ी तेज है ना, वहाँ तक हमें वॉक करके जाना है रिवर की दूसरी साइड पे। फिर वहाँ से बोट तेज़ी से नीचे आएगी। अभी हम दूसरे कोने पे आ चुके हैं, काफ़ी पत्थर हैं यहाँ पे, मैंने चप्पल भी नहीं पहनी। थोड़ी रेत की साइड पे चलता हूँ जहाँ पे रेत ज़्यादा है।
हाँ, बोट हमारी बीच में फंसी है अभी। हमें आना है क्या बोट पे? आ जाए कि और आगे जाना है अभी? और देखते हैं, फिर से हम पानी में उतरने जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। वाओ, बहुत ठंडा पानी है यार, बर्फीला पानी बिल्कुल। ओ हो 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 हो, बर्फ पानी है। ओ हो हो हो, यार इससे अच्छा तो मैं स्लीपर्स उतार ही देता। ओ हो 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 हो, बाप रे, आपको नीचे ही बैठना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि रैपिड्स में तो आप जाएंगे तो झटका लगे, आप गिर भी सकते हैं। हाँ, फॉल आउट होने के चांसेस भी हो सकते हैं। अच्छा, तो अब हम लोग दोबारा से बोट के अंदर बैठ चुके हैं और आगे की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे पानी का फ्लो बहुत ज्यादा तेज है। दोस्त ऊपर लेके जाओगे? मेरा पूरा पजामा गीला हो चुका है और अभी और गीला होने के चांसेस है। और आगे बढ़ रहे हैं हम लोग पानी के फ्लो की तरफ। ये देखो फ्रेंड्स, कितना अच्छा पानी आ रहा है, कितनी तेज आवाज आ रही है। क्या उतरे? उतरे? तो हम लोग फिर से पानी के अंदर देख के हम लोग फिर से पानी के अंदर आ चुके हैं। चप्पल दो। तो अब हम लोग फिर से बोट के अंदर बैठ गए। हम पहले वहाँ पे थे आगे, अब हम यहाँ पे आ गए इधर चलते हुए। ठीक है, मजा कब होता रहा, चलने का मन तो नहीं हो रहा। तो यही रोक ले। चलो अब चलते हैं आगे। अब मेरे ख्याल से और स्पीड बन जाएगी ना आगे पानी इस डायरेक्शन में। अच्छा, पत्थर के ऊपर से निकली बोट। चलो अब मैं आगे पहुंच के थोड़ी सी वीडियो कंटिन्यू करूंगा। अभी तो बोट जा रही है उल्टी डायरेक्शन में, आ गई बोट। ये काफी देर बोटिंग करने के बाद, रिवर राफ्टिंग करने के बाद और बुरी तरीके से गीले होने के बाद कपड़े चेंज करके आ गए हैं कार में और अब जा रहे हैं कहीं पे इवनिंग स्नैक्स वगैरह खाने। तो अभी हम लोग ने चाय और इवनिंग स्नैक्स के लिए ब्रेक लिया है इधर रावत मैगी पॉइंट पे और यहाँ पे बैठे हुए हम लोग ओपन में। ये कॉर्बेट वाली रोड है, कॉर्बेट रामनगर वाली जो है ये वो रोड जा रही है, पूरी रोड है। और ये यहाँ पे रुके, ये अपनी हरियर आज वॉश करवाई थी सुबह। ये बैठा है छोटा सा, ये बन रही अपनी तंदूरी चाय। हमने मैगी भी ऑर्डर करी है। तो ये आ गई अपनी तंदूरी चाय, इसका प्राइस 40 रुपीज है और बन मस्का और मैगी भी आ रही है अभी। ये है मैगी और बन मस्का मैं दिखाना भूल गया, मैं खा गया वो। ये खा गया है लजानिया, वेज लजानिया। दोस्तों ये है वेज लजानिया, अभी प्लेट में डालो। वाह 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 वाह, अंदर तो कट करो बेटा।
जस्ट हैव अ बाइट, जस्ट हैव अ बाइट। वाह, एक बाइट तो बनती है। तो अभी इवनिंग स्नैक्स करने के बाद हम लोग आए थे विलेज वाटिका के, ये हमारे रिजॉर्ट के पास ही था। काफ़ी अच्छा फूड लगा और अंदर एम्बियंस भी अच्छी थी इसकी, मैंने आगे दिखाया भी है, क्या क्या खाया हमने अंदर। अब हम लोग वापस अपनी हैरियर में जा रहे हैं रिजॉर्ट, और पार्ट टू यहीं एंड होता है।